फाइनली हम लोग मॉडिफाई का वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत बोला भाई कि मॉडिफाई का वीडियो लेकर आओ, वीडियो लेके आओ, तो फाइनली आ चुका है। बहुत लोगों ने गाली दिया यार कि मॉडिफाई वीडियो कब लेके आओगे, वीडियो कब लेके आओगे। बहुत लोगों ने गाली दिया, बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट कर करके भर दिया भाई कि तुम लोग इतना प्यार कर रहे हो भाई को क्या ही बोलूं। तो आज देखो, आज मॉडिफाई का वीडियो आ चुका है। अब तो गाइस देख लो, ये मेरा बाइक है, बाइक का सिनेमैटिक वीडियो होगा कुछ, उसके बाद बताते हैं क्या क्या मॉडिफाई किया है। तो चलो वीडियो तो गाइस चलो हैंडल बार से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो ब्रांबे का वॉल कैन है। ये कैन जो है ना, मैंने केरला से मंगाया था। पहले वाले पार्ट वीडियो में मैंने बोला था जो कहाँ से आना आया था, तो ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। तो ये बोल रहे हैं बहुत लोग कि पूरा सेट है, सेट नहीं है। देखो सिर्फ ऐसे ही लगवाया है, देखो पूरा सेट लगाने पड़ेगा। तो ये चेंज करना पड़ेगा, पूरा क्लच ब्रेक सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से जो वायर जाता है ना ब्रेक क्लिपर, यहाँ वहाँ पर पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोचो अच्छे के लिए लगाया, दिखने में अच्छा लगेगा, देख लो। तो सब लोग, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है इसलिए। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था लगभग 1400। उसके बाद ये जो ब्रेक क्लिपर है, देखो ये ब्रेक का है, लीवर का, लीवर ब्रेक लीवर, ये मॉक्सी का है रेड कलर में। मेरा बाइक का पूरा देखो रेड और ब्लैक का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो ये ब्रेक है, उसका क्लच है इस बार रेड का, ये मॉक्सी का है। ये भी मैंने मंगवाया, ये मैंने इसको ऑफलाइन में लिया था। ऑफलाइन में बहुत दाम कम है, ऑनलाइन में बहुत दाम ज़्यादा है। ऑनलाइन मिल जाएगा तुम लोगों को 1200 रुपये। तो भाई मोबाइल बहुत हीट हो गया था, ओवर हीट का मैसेज आ गया था। तो भाई वीडियो बनाते बनाते बंद हो गया। चलो इसके बाद दिखाते हैं तुम लोगों को मिरर। ये देखो ये मिरर है, सिर्फ अच्छे के लिए, अच्छे लुक के लिए है भाई। मत लगाना भाई, कुछ नहीं दिखता पीछे, पीछे कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही यूज में नहीं आएगा, ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए। रिजुर्मा का है, देख लो, पुलिस से बचने के लिए बहुत बढ़िया है, पर कोई फ़ायदा नहीं मेरे देखने का। रिजुर्मा का ओरिजिनल है। इसका प्राइस मुझे पड़ा था ऑफलाइन में, कम ही पड़ा है, पर आप लोग लोगे ना ऑनलाइन में, ये भी 900-1000 के करीब आ जाएगा, 1000 पकड़ लो। उसके बाद ये देखो, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो दुकान में मुझे मिला था ऑफलाइन दुकान में, जो ये बुलेट का है ना हैंडल में लगता है भाई, वाइब्रेशन कमाता है बोलता है। तो भाई मैंने लगवा लिया भाई, अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा बात रेड कलर में मिल गया था इसलिए मैंने लगा लिया, समझ रहे कि ना। तो भाई हैंडल का पूरा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं टैंक पैड एक देख लो, सिंपल सा भाई। यहाँ पे भाई स्क्रैच में गिर गया था भाई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये सब छोड़ो। उसके बाद चलो यार भाई, उसके बाद देखो ये चीज़ देख रहे हो ना, ये क्या है, क्या ही बोलूँ भाई तुम लोग। ये मैंने सिर्फ लगाया, दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैंने लगाया। देख लो ये क्या चीज़ है, मुझे भी पता नहीं। सुपर बाइक में देखा था भाई, प्लस एक केरला का रील्स बनाता है, पता नहीं क्या था नाम, देखा था मैंने, उसने भी ऐसा लगा। पास से देखो तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, दूर से देखो ये देखो बहुत खतरनाक दिखता है। यहाँ से एक पत्ती जैसा कुछ है मैंने लगवाया, यहाँ पे देखो, वहाँ से पत्ती निकाल के कैन है, फॉक का कैन है भाई, ये नहीं वो वाला फॉक का कैन है। प्लस ये कुछ और का परफ्यूम का ही है, कोई दूसरा ब्रांड का है। तो घर पे पड़ा था भाई, मैंने स्टिकर लगा के भाई यहाँ पे कुछ लिखना है। पर भाई आप लोगों का मॉडिफाई वीडियो लेके आओ लिखा भाई, बहुत लोग गाली दे रहे हैं भाई, इसलिए मैंने लेके आ चुका हूँ मॉडिफाई वीडियो। लिए लगवा नहीं हुआ भाई, यहाँ पे पाइप भी रहे, यहाँ से पाइप निकाल लूँ, एक पाइप लगाऊंगा वहाँ पे, उस पार लगाया था भाई, किसी ने तोड़ दिया था भाई, दोबारा लगाया है, प्लस पाइप भी छील लिया था। उसके बाद ये पीछे भी काम ख़त्म, पीछे काम नहीं ख़त्म, अभी देख लो पीछे, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये चीज़ है जो हेलमेट पे लगाते हैं ना बहुत लोग, हेलमेट के ऊपर ऐसे, किसका नाम क्या मुझे पता नहीं इतना, ये मैंने लगाया यहाँ पे देखो, अच्छा लग रहा है बहुत। दिख वीडियो में पता नहीं कैसा लगेगा,
रियल में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर करवाया है, देखो सिग्मा बॉय, भाई सिग्मा बॉय नाम का हो भाई, काम का नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी देखो नीड मोर एल्कोहल, और भाई पीछे का खत्म हो गया, सामने देखो भाई सामने सामने नंबर प्लेट होल्डर, ये देख रहे हो ना नंबर प्लेट होल्डर, ये मैंने मंगवाया था कोलकाता से, कोलकाता मंगवाया नहीं, मेरे भैया है ना एक बड़े भैया है वहाँ, उनने लिया था अपने बाइक के लिए, पर उसका बाइक में लगा नहीं तो इसलिए मैंने ले लिया फ्री समझ लो। तो लगभग इसका प्राइस है 500 रुपये प्राइस, ये जो है ना कवर है नंबर प्लेट कवर लगभग 600 रुपये यहाँ पे है, फिटिंग कर लिया था 50 रुपये लिया था। और भाई ये जो पीछे जो रबाट देखा ना हेलमेट पे लगाता है वही है, कट के लगाया यहाँ पे देख लो, अच्छा लग रहा है देखो। उसके बाद व्हील कवर, भाई व्हील कवर ये पूरा डिस्क नहीं है भाई, डुप्लीकेट है जी हो, मैंने केरला से मंगवाया था भाई, नहीं सॉरी। तो भाई व्हील कवर देख लो, बाइक का व्हील कवर पूरा व्हील कवर, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था भाई, 1400 रुपये गिर गया था इसका पूरा। इंस्टा का नाम है पूरा यहाँ पे भी है प्लस पीछे भी है भाई, इस तरह व्यक्ति छूट गया था भाई। ये देखो लेडीज स्टैंड, ये मम्मी के लिए लगवाया है समझ लो भाई, मम्मी से बॉय हूँ भाई, मम्मी का बॉय हूँ। तो भाई मम्मी बैठता है बाइक पे इसलिए लगवाया, नहीं तो ये भी खोल के फेंक देता भाई, मुझे तो लगाने का मन ही नहीं था। तो एक ऑल में एक लगाया था भाई, यहाँ से आता है ना वो नॉर्मल वाला, बहुत गंदा लग रहा था इसलिए वो छुटा के ये भी लगा दे, ये लगवा दिया मैंने। तो वो भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, अब चलते हैं स्टिकरिंग के ऊपर। तो भाई देख लो पूरा बाइक का स्टिकरिंग, बहुत लोगों ने मैंने देखा इंस्टा पे कॉपी कर लिया है भाई मैंने स्टिकरिंग का। तो चलो कोई ना भाई, करो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे है मेरा SXB, कैसे वो वाला SX मत समझना बोझ रही के, SXB मतलब सुपर एक्स बाइक, इंस्टा का नाम है मेरा, जाओ इंस्टा में फॉलो करो भाई, 10K होने वाले हैं। तो भाई यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे स्टिकरिंग देखो यहाँ पे करवाया है, प्लस यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है विंगलेट, MT का विंगलेट भी बोल देगा इसको, यहाँ पे देखो मैंने लगवाया है। हाँ ये देखो यहाँ पे नट है, दो स्टॉक पे ही आते हैं इन इस बाइक पे, वो नट खोल के मैंने इसको थोड़ा गर्म करके टेढ़ा करके यहाँ पे स्टिकर मार के लगवाया है। उसके बाद यहाँ पे देखो गोल्डन कलर का स्टिकर है इसका, लगभग इसका थोड़ा कितना लिया था मैंने, 250 लिया था, 250 रुपये। और इस बार भी है ऐसा, इस बार भी ऐसा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मोटुल का ब्रांडिंग करा हुआ है देखो, यहाँ पे RCB है भाई, ये वाला RCB नहीं है जो हारने वाला है, लल्लू पप्पू RCB नहीं है भाई, ये कुछ और RCB है भाई, तुम लोग तो समझ रहे हो RCB टीम है नहीं भाई, अपन कोलकाता का सपोर्टर है समझ रहे हो ना। उसके बाद छोड़ो इस ब्रांडिंग को निकाल देंगे भाई, बहुत लोग गलत समझ रहे हैं, हमें नहीं बनना हारने का टीम। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्टिकरिंग करवाया है देख लो, उसके बाद क्या है यहाँ पे टैंक पे इसे यहाँ पे एक बीट की जैसा है यहाँ पे मैंने करवाया है। तो भाई एक बात पहले बोल रहा हूँ, मैंने कोई फिक्स दुकान पे स्टिकरिंग नहीं करवाया है, जहाँ मिला जो अच्छा लगा जन मन में कि हाँ भाई यहाँ पे स्टिकरिंग करवाना है स्टिकरिंग मैं करवा लिया, यहाँ पे कराने करा लिया यहाँ पे कराने लिया, कोई फिक्स दुकान नहीं है, जहाँ पे मिला करवा लिया ऐसे। यहाँ पे देख लो अच्छे से देख लो, कर लो अपने बाइक में, बहुत लोग बोले कि भाई पास से दिखा लो, पास से दिखा लिया भाई, यहाँ पे भी करवाया देखो, देख लो पूरा बाइक देख लो। उसके बाद भाई अंडर बेली, भाई इसके लिए भाई तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया यार, पागल इतना गाली पड़ा भाई इसके लिए, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने बोला ठीक है भाई कब लेके आओगे वीडियो में वेट करेंगे, तो बहुत लोगों ने भाई तू अब तो लेके आ वीडियो भाई, बहुत लोगों ने गाली भी दिया कि भाई अंडर बेली का वीडियो लेके आएगा या तेरे ID में रिपोर्ट मारूँ, ऐसा भी बोला है बंदे ने, चलो कोई ना। तो फाइनली भाई तुम लोगों के लिए खुशखबरी आ चुका है, अंडर बेली का वीडियो देख लो। तो भाई अंडर बेली यहाँ पे शुरू करते हैं भाई, देखो ये अंडर बेली मैंने मंगवाया था केरला से, ये केरल से एक पीस से मंगाया था, मैं बोल दूंगा
कहाँ से मंगाया था, मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आपको चाहिए तो मुझे एक काम करो, इंस्टा पे वहाँ से आप उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, तो मेरे इंस्टा पे जाओगे वहाँ पे प्रोफाइल में देखना, उनके साथ कोलाब्रेशन करा हुआ है मेरा, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। और मेरे इंस्टा, मेरे इंस्टा पे जाओ, वहाँ पे मुझे मैसेज करो, वहाँ पे नहीं करना तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ से लेके दे दूँगा, दिलवा दूँगा उनसे। और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 2000 रुपया, अभी दाम कम हो चुका है, देख लो भाई पूरा। यही तो असल बाइक का लुक यही बढ़ा था, इस अंडरबेली की वजह से मेरा बाइक का लुक अच्छा हुआ। अंडरबेली यहाँ से शुरू करते हैं भाई। बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग, सब लोग बोल रहे हैं भाई अंडरबेली लगवाया कैसे, भाई कैसे लगवाया, देखो ये देखो ये अंडरबेली है ना, तो इंजन के इंजन है ना, इंजन में यहाँ पे देखो जो जो इंजन का नट है ना, देखो अच्छे से देखो, इंजन का नट है वहाँ पे, इंजन का नट है वहाँ से एक पत्ती जैसा ये निकाला है, देखो मैंने ये खुद से लगाया है, ये पत्ती निकाल के यहाँ से अंडरबेली छेद करा है, छेद करने के बाद यहाँ पे भी लगवाया है, उसके बाद यहाँ से भी, यहाँ पे भी छेद करवाया है, ठीक है, और यहाँ से पत्ती निकाला है, देखो अच्छे से देखो, देखो इंजन में रुको रुको, देखो रुको रुको, देखो यहाँ पे, हाँ इंजन का नट है, जो इंजन का नट यहाँ से ही निकाला है, वहाँ पे देखो इंजन का नट है, देख लेना अपने बाइक पे, ये देखो ये इंजन नट है ना, यहाँ से पत्ती निकाल के, ये पत्ती के जरिए यहाँ पे इसको टाइट करा हुआ है, उस पर भी ऐसा ही है, प्लस रुको यहाँ पे, यहाँ से कट करना पड़ेगा पूरा यहाँ से, ऐसा होता है अंडरबेली, यहाँ पे कट, यहाँ पे पूरा अंडरबेली कट करना पड़ेगा, उसके बाद फिटिंग होगा, यहाँ पे कट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा, ये ब्रेक लगेगा तो लग जाएगा इसलिए, प्लस इस पार भी कट करना पड़ेगा बहुत, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा, गियर चेंज करने के लिए ऐसे मैंने कुछ ज़्यादा ही कट कर लिया था इसलिए, यहाँ पे अभी भी लगता है, यहाँ पे देखो, चलो कोई ना, इतना भी नहीं लगता, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही देखो इंजन के अंदर से नट निकला है, हाँ, और उसके बाद पत्ती के जरिए यहाँ पे छेद करके अंडरबेल लगवाया है, यहाँ पे भी है देख लो, ये देखो इंजन का नट वही है, वहाँ से यहाँ निकाल के छेद करके लगवाया है, ये पत्ती के जरिए दो नट यहाँ इस पार, दो नट उस पार, और एक नट यहाँ पे देखो, ये जो नट है ना, ये यहाँ से इसको पकड़ के रहता है, हिलता नहीं है देखो, और यहाँ पर अंडर भी दो नट है, अंडर भी दो टुकड़े में आता है, यहाँ पे जॉइंट देना पड़ेगा इसलिए वहाँ पे दो नट है, तो भाई अंडर बेली का हो गया, और भाई एक क्रैश गेट आपको बोलूँगे मत ही लगाओ यार, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कमज़ोर है भाई, जो स्टॉक वाला आता है ना वही लगा के रखो, मैं खोल दूँगा स्टॉक वाला लगाऊँगा, अंडरबेली का फिटिंग करके भाई, स्टिकरिंग करके, फिटिंग करके, और इसका प्राइस लेके मेरा 4000 रुपये पड़ गया पूरा अंडरबेली का, इस अंडरबेली को लगाने का 4000 रुपये पड़ गया पूरा, फिटिंग का कॉस्ट, कलर करने का, कलर पहले बोलता था सफ़ेद में आएगा, इसको कलर करने पड़ेगा, कलर करने के बाद, फिटिंग करने के बाद उसको मेरा 4000 का लगभग 4000 ही पड़ गया पकड़ लो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा अच्छे से बता देना भाई, और अंदर पूरा मॉडिफाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो और इंस्टा में फॉलो करो, 10K होने वाले तुम्हारे भाई के, चलो 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 फॉलो करो, चलो चलो बाय।